ना मशी हजी। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? एक्चुअली इतने काम वाली बदलती रहती है ना, याद रखना मुश्किल होता है। पर हाँ, तुम तो मेरे से बड़ी होगी, तो मैं ना तुम्हें दीदी बुलाऊंगी। अच्छा दीदी सुनो, कोई भी आए ना ऐसे अंदर आने मत देना। उसको ठीक से पूछ लेना नाम क्या है, किस काम के लिए मिलना चाहते हैं, फिर अंदर आने देना। ठीक है, अब तुम जाओ। कौन है? मशी मैं हूँ, अंदर आ जाऊँ? ओ अरे तू, आजा आजा बैठ। कैसी हूँ मशी? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? अचानक कैसे आना हुआ? अच्छा मासी, तुम्हारे बाल कभी सफेद कभी काले, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों? ओह, ये जो बाल है ना मेरा, एक्चुअली मैंने वो शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली वो यूट्यूब ब्लॉग से सीखा है ना, टेम्पोररी कलर करना। तो मुझे अपना हिसाब से जब चाहिए मैं वाइट रखती हूँ और जब चाहिए थोड़ा सा ब्लैक कर लेती हूँ। उसका बहुत फायदा है। फायदा मतलब? तेरे को बताऊँ क्या फायदा है? अच्छा मान ले मोहल्ले में कोई पूजा है और तू चंदा लेने आई है, बोल मुझे। वो मोहल्ले में ना पूजा है मासी, तो चंदा लेने आए हैं। अच्छा मोहल्ले में पूजा है, बहुत अच्छी बात है। तो खाना पीना सब है कि खाली पूजा रखा तुम लोगों ने? नहीं, खाना वगैरह तो नहीं है मासी। ओ खाली पूजा है। ओह नो। हाँ वैसे तो देखो, मुझे देख के ही समझ सकते हो ना, उम्र तो काफी हो गया, घुटने में आजकल इतना दर्द होता है, कहीं आना जाना बहुत मुश्किल है। पर क्या करें, देखो तुम लोग मोहल्ले के बच्चे हो, आए हो, मैं ना भी नहीं बोल सकती हूँ। मैं ना मेरी काम वाली को बोलती हूँ, वो 20 रुपया देगी, तुम लोग वो लेके जाओ अभी। सिर्फ 20 रुपए? 20 रुपया कम लग रहा है तुम लोगों को? अरे एक तो देखो कुछ खाना पीना भी नहीं है, ऊपर से मेरा हाल देख रही हूँ, मैं पूजा देखने भी नहीं जा सकती। वैसे देखा जाए तो मुझे तो कुछ देना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरा दिल ही ऐसे है ना, मैं किसी को ना नहीं बोल सकती, इसलिए मैं 20 रुपया दे रही हूँ, वो लेके अभी तुम लोग जाओ। देखा? और अभी मान ले कोई ऐसे आया जिसके घर में कोई पूजा है, साथ में खाना पीना सब है, तो उसके बारे में बोला भी। मासी कल हमारे घर में सत्यनारायण पूजा है और दोपहर को सबके लिए खाने का भी इंतजाम है। अच्छा तुम्हारे घर पे सत्यनारायण पूजा है? अच्छा खाना भी है दोपहर को सबके लिए? ओहो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या बात कर रहे हैं? देखो मम्मी को बोलो बिल्कुल चिंता नहीं करे, मैं एकदम आ जाऊंगी। तुमको आने में तकलीफ तो नहीं होगी मासी? अरे नहीं नहीं, तुम मेरा सफेद बाल देख के सोच रहे हो क्या? वो तो बहुत ही कम उम्र में मेरा बाल सफेद हो गया, उसके लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखो मोहल्ले में एक पूजा हो रहा है और पूरे मोहल्ले वाले आएंगे, खाना खाएंगे, उसमें मेरा भी तो जिम्मेदारी होता है ना कि मैं आऊं और थोड़ा सा देखभाल करूं। सुनो मम्मी को कहना मैं सुबह उठते आ जाऊंगी, और जो भी तुम्हारे घर में पूरी सब्जी नाश्ते के लिए बनेगा वो ही खा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आ जाऊंगी और पूरा देखभाल करूंगी, पूरा दिन तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। ठीक है, कोई चिंता नहीं है, मैं जरूर समय पे आ जाऊंगी। अच्छा मैं तो ये पूछना ही भूल गई, तू क्यों आई थी वो तो बता। वो मासी मोहल्ले में संतोषी माता की पूजा है, मैं चंदा लेने आई थी।
क्या क्या क्या।